वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका कुछ झटपट मीठा खाने का मन है तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ के साथ इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और ये घर की चीज़ों से बनके रेडी हो जाती है। हमें उम्मीद है आप इस रेसिपी को बनाने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक गिलास दूध। तो आपके पास जो भी हमने यहाँ पे बॉईल करा हुआ पहले से रखा था वो डाला, अगर आपके पास यहाँ पे कच्चा दूध है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूध को बॉईल आने देंगे। जब तक बॉईल आ रहा है दूध तैयारी कर ले। तो हमने यहाँ पे एक कटोरी में लिया है एक चम्मच गेहूं का आटा। अब आप सोच रहे होंगे गेहूं के आटा से कच्चापन आएगा या फिर कैसा टेस्ट आएगा। तो आप अगर यहाँ पे आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप इसकी जगह वो भी डाल सकते हैं, पर आप इस तरह से एक बार बना के देखिए तो आप ये रसमलाई बहुत ही अच्छी बनेगी। गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है तो इससे गाढ़ापन आता है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थोड़ा पेस्ट बना लेंगे, घोल लेंगे इसको पानी में। और आज हम रसमलाई बिल्कुल घर के बेसिक सामानों से बनाएंगे जो सबके घर पर अवेलेबल होते हैं। हमने यहाँ पर एक गिलास दूध लिया तो हमने यहाँ पर एक चम्मच ही गेहूं का आटा लिया है। तो हमने इसे अच्छे से घोल लिया। हम चलते हैं गैस। यहाँ पे दूध में अच्छे से बॉयल आ गया तो हमने जो आटा घोला था ना वो है, यहाँ पे गैस को फ्लेम को कर लेंगे स्लो और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी। हम इसमें मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे डालेंगे वैसे वैसे मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे लो ही रखना है। हम इसमें से धीरे धीरे हम इसे मिलाते जाएंगे। हमने इसमें सारा डाल दिया है, अब इसको चला लेंगे। आटा डालने से ये थोड़ा सा थिक होने लगा है। अगर इन केस आप आटा इसमें डालें और इसमें गुठलियाँ पड़ जाए तो आप क्या करें, एक बर्तन लें उसमें जो जिसमें हम लोग स्टीरर होता है ना उसको रख के इसको दूध को उसी में डाल के छान लो, तो जितनी गुठलियाँ उसमें रह जाएंगी फिर स्पून से उसको मैश करके फिर से वापस से कढ़ाई में डाल के इसको बना सकते हैं। वैसे अभी इसमें एक भी नहीं है। अगर आप बिगनर से गलती से अगर ऐसा हो जाए तो आप इसे स्ट्रेनर से छान के फिर से इसे बॉयल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस स्टेज पे डालेंगे थोड़ा कलर के लिए इसमें थोड़ा सा डाल लें हल्दी पाउडर। अगर आप चाहो तो यहाँ पे केसर भी डाल सकते हो, केसर सबके पास नहीं होती इसलिए हम थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालें। हल्दी वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैं और आज मैं बिल्कुल इसे बेसिक तरह से बताऊंगी जो सबके घर पे सामग्री अवेलेबल हो। तो हमने यहाँ पे थोड़ी हल्दी डाल दी तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसे 5 मिनट थोड़ा सा और थिक कर लेंगे। यहाँ पे हल्दी डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, या फिर यहाँ पे केसर डाल सकते हैं या फिर फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 इलायची मोटा मोटा क्रश कर लिया तो वो डाल देंगे इसमें। इलायची डालने से रसमलाई में फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे ये पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है दूध, यहाँ पे पहले से गाढ़ा हो गया। तो हमने यहाँ पे ली है चीनी, तो हमें यहाँ पे 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। आप थोड़ा मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे 3 की जगह 4 चम्मच चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबड़ी रसमलाई वगैरह में थोड़ी चीनी कम पड़ती है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चीनी बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अब चीनी को इसमें घुलने देंगे। इसमें चेक करने के लिए हम एक स्पून डालेंगे और हम इसको आपको दिखाएंगे कि हल्की सी इस पर कोटिंग आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे दूध परफेक्ट गाढ़ा हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, रसमलाई का दूध हल्का सा पतला ही रहता है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे गैस को कर लेंगे बंद और करेंगे अपनी दूसरी तैयारी। दूध को कर लेंगे ठंडा। एक कटोरी हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिया, हमने यहाँ पिस्ता थोड़ा सा लिया, बादाम और काजू को छोटा छोटा कट कर लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, तो इससे इसमें क्या होगा थोड़ा सा मीठापन आ जाएगा। और हमने थोड़ी सी मलाई ली है, इसे मैं यहाँ पे आप केवल दूध भी डाल सकते हैं तो ये थोड़ी सी इसमें बाइंड हो जाएगी। थोड़ी सी मलाई डाल के हम कर देंगे इन सबको मिक्स। यहाँ पे आप मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के और थोड़ा दूध डाल के और चीनी हल्का सा डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं इसका। तो हमने इसको मिक्स कर लिया। हमने लिए यहाँ पे 5 व्हाइट वाली ब्रेड। आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना हो, इससे ब्रेड से भी रसमलाई बहुत अच्छी बनती है। मैंने अपने चैनल पे पहले भी रेसिपी डाली है। तो हम एक ब्रेड लेंगे और इसको अब हल्का सा बेल लेंगे तो क्या होगा ये एक सार हो जाएगी,
जैसे अभी अलग अलग सी लगेगी ना, तो जब हल्का सा बेलेंगे तो थोड़ी सी ये पतली हो जाएगी। तो दोनों साइड से हम इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो ये हल्की सी पतली हो गई। अब इसी तरह हम सारी ब्रेड को बेल के तैयार कर दी। हमने यहाँ पे सारी ब्रेड को बेल के तैयार कर लिया। हम इसको साइड के जो किनारे है ना, वो हम नाइफ या फिर सीजर की सहायता से कर देंगे कट। और जो इसके किनारे बचेंगे, इसका ब्रेड क्रम्स बना के यूज करते हैं या फिर ब्रेड पोहा वगैरह भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सारी ब्रेड कट करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, हमने ब्रेड को कट करके तैयार कर लिया। कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया और हम इस ब्रेड को इसमें हल्का सा डिप करेंगे, बहुत ज्यादा इसे गीला नहीं करेंगे। थोड़ा सा डिप करने के बाद इसको हम हल्का हाथ से प्रेस कर देंगे। इसको बस हमें हल्का सा गीला करना, बहुत ज्यादा नहीं तो टूट जाएगी। अब हमने जो इसकी ये स्टफिंग बनाई थी ना ड्राई फ्रूट्स वाली, वो हम इसमें थोड़ा सा रखेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम इसको गोल शेप दे देंगे, जैसे हम लोग कटलेट वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आलू की स्टफिंग भरते हैं, उसी तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। तो लीजिए, हमने इसको फोल्ड करके हल्के हाथों से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हमने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया इसको। अब एक प्लेट में हम इसको रख देंगे। इसी तरह दूसरी बना के भी तैयार करेंगे। दूसरी भी ज़्यादा देर में आपको थोड़ा सा दूध में इसको डिप कर लेंगे, क्योंकि ये टूटने लगी है ना ब्रेड, पतली होगी इसलिए। तो इसे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा डिप कर लेंगे दूध में, और थोड़ा सा दूध ऐसे प्रेस कर देंगे ब्रेड को थोड़ा सा, तो इसका एक्स्ट्रा जितना दूध है ना वो निकल जाएगा। और थोड़ी सी स्टफिंग हम ऐसे बीच में रख देंगे और इसको चारों कोनों पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और इसको हाथ से हल्का सा दबा के पहले हम गोल गोल कर लेंगे इसको चारों तरफ से, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। इसे हल्का सा प्रेस दे के हम गोल कर लेंगे और बीच से हम इसे हल्का सा दबा देंगे, तो ये एकदम रसमलाई के शेप में आ जाएगी। इसी तरह हम सारी रसमलाई बना के तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे सारी रसमलाई बना के तैयार कर ली है। अब हम इनको एक सर्विंग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। हमने जो दूध बना के रखा था ना वो पहले से, तो ये ठंडा हो, ठंडा को देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो गया है, तो वो दूध हम इसी के ऊपर डाल देंगे। आप चाहो तो इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो या फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। कटे हुए ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल देंगे, एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ पे एक घंटे बाद इसको निकाल लिया है और ये थोड़ी सी पहले से थिक होके सेट हो गई है, तो देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है। हम आपको एक पीस कट करके दिखा रहे हैं कितनी ही सॉफ्ट बनी है। तो मैं तो अपने घर में इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। इस रसमलाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बहुत कम टाइम में हम फटाफट बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।